Good morning, dear student. I am Nirmala Parihar and welcome to you in this online class. So, dear student, before this start online class, I hope you all are safe in your home. So, let's start a Sanskrit grammar. Dear student, मैंने आपको last week धातु रूप पढ़ाए थे. आपके syllabus के according, sixth class की syllabus के according, आपने मैंने आपको लास्ट वीक जो पट धातु का लट लकार सिखाया था, पट्टी पटत पटंती वाला, तो इनफ है. अगर इससे आगे आपको जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको आगे वाला रिट लकार वगैरह बताऊंगी, परंतु आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पट धातु का लट लकार ही लर्न करना है. ओके, तो चलिए अब कुछ और सीखते हैं. ठीक है, तो बच्चों मैंने आपको सर्वनाम शब्द रूप जो स वाला फॉर्मेट और एश वाला फॉर्मेट बहुत पहले सिखा दिया है. ठीक है, आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा, जैसे वह वाला कि वह वह दोनों वह यह सब, पुल्लिंग में क्या लगता है, स्त्रीलिंग में क्या लगता है, यह यह दोनों यह सब, और के लिए पुल्लिंग में क्या लगता है, स्त्रीलिंग में क्या लगता है. ठीक है, आई होप आपको अच्छे से दिमाग में होगा अभी तक. अगर नहीं हो तो एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, फिर हम आगे क्वेश्चन पे जाएंगे कि उनको किस तरह से यूज किया जाता है. ओके, तो चलिए देखिए फिर अंदर बोर्ड स वाला जो फॉर्मेट है, सर्वनाम शब्द है स वाला, तो पुल्लिंग में वह के लिए क्या आएगा, स का मतलब क्या होता है बच्चों, वह क्या होता है, वह. ओके, तो स का मतलब होता है वह, पुल्लिंग के लिए है ना, लड़का होगा तो स यानी वह, तव यानी वे दोनों, ते यानी वे सब. ठीक है, फिर स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग में वह के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, सा. ध्यान से देखिएगा बच्चों, क्योंकि आगे जो है क्वेश्चंस में फिर आपको फील करना है. ओके, तो आई होप आपको समझ में आ जाए और आप क्वेश्चन में अच्छे से फील कर पाओ. वह के लिए हम स्त्री, अगर लड़की होगी तो क्या लिखेंगे, वह के लिए सा लिखेंगे. दो लड़कियां होगी तो ते लिखेंगे, और बहुत सारी लड़कियां होगी तो क्या लिखेंगे हम, ता, ता. ओके, ये ह विसर्ग जब हम लगाते हैं इसको हम ह पढ़ते हैं तो ता. ठीक है, ये दोनों तो हो गए स, स के रूप. ठीक है, सर्वनाम शब्द स का फॉर्मेट, ये तीनों वर्ड पुल्लिंग के लिए, ये तीनों वर्ड स्त्रीलिंग के लिए. अब बारी आती है यह यानी कि एश वाला फॉर्मेट है ना, सर्वनाम शब्द रूप एश, सर्वनाम शब्द एश. ठीक है, तो इसमें भी मेरा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का अलग अलग है. पुल्लिंग का ये देखिए यह, ये एश का मतलब होता है यह, तो एश का मतलब क्या हो गया, यह. ए तो यानी यह दोनों, और ए तो यानी यह सब, यह यह दोनों यह सब, यह यह दोनों यह सब. परंतु ये किसके लिए है, ये स्त्रीलिंग के लिए है ना, वो ऊपर वाली जो है तीनों वर्ड्स, ये पुल्लिंग के लिए और ये स्त्रीलिंग के लिए. एशा का मतलब होता है यह, एते का मतलब यह दोनों, और एताहा, एताहा का मतलब होता है यह सब, परंतु स्त्रीलिंग के लिए. ठीक है, समझ में आती है आपको, चलो आगे चलते हैं, क्योंकि ये मैंने आपको पहले बहुत बार बता दिया है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अभी तक. आगे देखिए, देखो बच्चों शब्द रूप जो है बाद में अच्छे से डिटेल्स में, जो सातों विभक्तियों में शब्द रूप जो प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति आती है वो हम बाद में सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में, परंतु अभी तक के लिए आपको ये दोनों लाइन मैंने प्रथमा विभक्ति लिखी है, मतलब कि सबसे पहले स्टार्टिंग में ये फील करने के लिए हमें इसका भी नॉलेज होना जरूरी है. तो देखिए ये शब्द रूप की प्रथमा विभक्ति है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में. तो एक्चुअली देखो ये क्या होता है, एक वचन. ठीक है, जैसे एक वचन है सिंगल पर्सन, अगर पुल्लिंग होगा यानी कि राम हुआ, श्याम हुआ, कोई भी नाम लड़कों का ले लो, तो अगर वो नाम होगा, एक वचन होगा, तो उसके पीछे क्या आता है, हमेशा विसर्ग आता है. ध्यान रखिए, राम की जगह अगर श्याम होगा तो भी आगे विसर्ग आएगा, अगर श्याम की जगह कोई और होगा, मोहन होगा, तो भी उसके आगे एक वचन में क्या आएगा, विसर्ग आएगा, है ना. फिर द्विवचन में बच्चों विसर्ग आकर क्या आ जाएगा, राम शब्द आएगा और पीछे क्या आ जाएगी, औ की मात्रा आ जाएगी, तो क्या बन जाएगा, रामो. ठीक है, रामो, तो रामो की जगह अगर श्याम नाम होता है तो श्याम नाम के पीछे, जैसे ये श्याम हमने लिख दिया, तो इसके द्विवचन बनाने के लिए हम इसको क्या करेंगे, इस पे औ की मात्रा लगा देंगे, है ना. तो ये क्या बन गया, श्यामो, यानी द्विवचन, यानी दो श्याम. ओके, उसके बाद बहुवचन, उसी शब्द का अगर हमें बहुवचन बनाना हो कि बहुत सारे राम है, तो राम शब्द लिखने के बाद आ की मात्रा और पीछे क्या लगाते हैं हम, विसर्ग. ध्यान से सुनिए, सिंगल एक वचन में सिर्फ विसर्ग लगता है, कुछ भी नहीं. ओके, द्विवचन में शब्द पूरा लिखना है, उसके पीछे क्या लगाना है, आ की, औ की मात्रा, इसकी औ की मात्रा. ओके, और बहुवचन में आ की मात्रा और विसर्ग. ओके, तो बहुवचन बन जाता है. ओके, समझ में आया आपको. अब चलो देखते हैं हम स्त्रीलिंग में क्या होता है. ओके,
स्त्रीलिंग में जो भी नाम होता है एक वचन में वो सिर्फ नाम लिखा जाता है, उसके आगे न कोई विसर्ग आता है और न ही कोई मात्रा आती है। तो जैसे रमा है तो रमा का क्या हो जाएगा, रमा। द्विवचन में रमा नहीं लिख के हम उस पर क्या आ जाता है, एक ही मात्रा, पीछे मात्रा नहीं आएगी, पीछे कोई भी मात्रा नहीं आएगी, रमे। जैसे मीरा है तो मीरे हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, मतलब आपकी मात्रा को हटाकर हमें किसकी मात्रा लगानी है, एक ही, द्विवचन बनाने के लिए। तो एक वचन में आकी मात्रा, द्विवचन में एक ही मात्रा, और बहुवचन में आकी मात्रा प्लस विसर्ग भी पीछे लगेगा तो क्या हो जाएगा, बहुवचन। अब चलिए आप ये बताइए कि जैसे मैंने यहाँ रमा लिखा है, अगर रमा की जगह राधा, राधा आ जाए नाम, राधा क्या होता है स्त्रीलिंग की पुल्लिंग, स्त्रीलिंग होता है ना, लड़की है, तो सेम थिंग चलेगा। तो राधा का एक वचन क्या होगा, राधा, क्योंकि पीछे कोई भी विसर्ग वगैरह नहीं आता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, राधे, क्या हो जाएगा, राधे, है ना, पीछे आ की मात्रा जो है वो हट जाएगी और क्या आ जाएगा, एक ही मात्रा, राधे। और बहुवचन बनाने के लिए राधा का बहुवचन, अगर बहुत सारी राधाएं हैं तो मतलब राधा, जैसे बहुत सारी लड़कियां, सबका नाम राधा है, बहुत सारी राधा, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, राधा शब्द पूरा लिखने के बाद उसके पीछे हम क्या लगाएंगे, विसर्ग लगाएंगे, है ना बच्चों, क्या लगाएंगे, विसर्ग लगाएंगे, ठीक है। तो राधा, ओके। फिर एक बार फिर पुल्लिंग की तरफ भी देख लीजिए, राम की जगह अगर श्याम हो तो श्याम, सिर्फ विसर्ग एक वचन में, द्विवचन में औ की मात्रा श्यामो, और बहुवचन में श्यामा। ओके बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आ गया है ना। उसके बाद देखिए, अब हम आते हैं यहाँ, ये देखो बेटा जो है आपकी एक तरह से एक्सरसाइज है ना। अब देखिए, आप पढ़ तो लिया है आपने, परंतु इसको हम किस तरह से फील करते हैं, है ना, वो भी सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके सामने कोई इस तरह से तो आएगा नहीं कि आप उसका ये लिखो या वो लिखो, आपके सामने इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, है ना, आपकी बुक्स जो होगी, आपकी बुक्स में भी इसी तरह से क्वेश्चंस आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, और वहां आपको लिखा जाता है कि सर्वनाम शब्द रूप भरिए, सर्वनाम शब्द, सर्वनाम शब्द सब, ये सब, इससे ये आपको फील करना है, है ना। तो सर्वनाम शब्द सबसे पहले स हम इस तरह फील करते हैं, स वाला आपको पता है ना, ये और ये, है ना, इन छह वर्ड से हमको ये फील करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, किस तरह से, ये क्या लिखा हुआ है बच्चों, ये लिखा हुआ है राम, राम, ठीक है, इसका मतलब राम पुल्लिंग है और एक वचन है, है ना। तो पुल्लिंग है और एक वचन है, तो पुल्लिंग एक वचन में है, यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा हमें, स, क्या लिखना पड़ेगा, स, क्योंकि पुल्लिंग का एक वचन के लिए सर्वनाम शब्द स में क्या आता है, स, है ना, एक वचन के लिए क्या हम क्या लिखेंगे, स। अब चलिए सेकेंड, क्या लिखा हुआ है, बालको, क्या लिखा हुआ है, बालको, तो बालको मैंने क्या बताया यहाँ पे, बालको औ की मात्रा आई तो क्या, कौन सा वचन है, द्विवचन है, इसका मतलब हमको यहाँ पे सर्वनाम शब्द रूप पुल्लिंग का द्विवचन बनना है ना। तो सर्वनाम शब्द रूप का पुल्लिंग का द्विवचन क्या होता है, ताऊ, तो हमें यहाँ पर क्या बनना है, ताऊ, ओके, सह राम हो, वह राम है, ताऊ बालको, वे दोनों बालक है, इनका हिंदी मतलब ये होता है ना। फिर चलिए ये देखिए, ये क्या लिखा हुआ है, बालका और पीछे विसर्ग, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे, जैसे कि पुल्लिंग का कोई भी वर्ड हो, जैसे बालक है, आगे मात्रा विसर्ग लगता है तो उसका मतलब क्या हो जाता है कि वो बहुवचन, यानी बहुत सारे बालक है, तो बहुवचन, इसका मतलब कि सर्वनाम शब्द रूप स का हमें क्या भरना है, पुल्लिंग का बहुवचन, तो हमें यहाँ पर क्या भरना होगा, ते, है ना, तो यहाँ हम क्या भर देंगे, ते बालका, यानी वे सब बालक है, ओके। चलिए अब आते हैं हम, ये तीनों हमने पुल्लिंग के एग्जाम्पल्स यहाँ लिखे हैं, नाउ स्त्रीलिंग, तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, बालिका, सिर्फ बालिका है, ना कोई मात्रा है और ना कोई विसर्ग, इसका मतलब ये स्त्रीलिंग का एक वचन है ना। मैंने आपको बताया कि जहाँ पर सिर्फ नाम हो लड़की का, जहाँ ना कोई मात्रा हो और ना विसर्ग हो, वहां पर स्त्रीलिंग का एक वचन होता है, तो ये एक वचन है। तो अब हमें यहाँ पे सर्वनाम शब्द श का स्त्रीलिंग का क्या बनना है, एक वचन, है ना, तो क्या आ जाएगा, सा, सा बालिका, ठीक है। चलिए अब ये देखिए, बालिके, एक ही मात्रा है ना, मैंने आपको यहाँ थोड़ी देर पहले स्त्रीलिंग में बताया था, एक ही मात्रा यहाँ पर, तो कौन सा वचन होता है, द्विवचन, स्त्रीलिंग का द्विवचन जब हम बनाते हैं तो शब्द पे आ की मात्रा हटके एक ही मात्रा आ जाती है, तो यहाँ पर बालिक यानी कि द्विवचन है, तो यहाँ हमें स्त्रीलिंग शब्द रूप स का कौन सा वचन भरना है, द्विवचन, द्विवचन के साथ में द्विवचन ही भरना पड़ता है, तो क्या आ जाएगा, ते, इसका मतलब ते बालिके, ठीक है, ते बालिके।
उसके बाद यहाँ है राधा, राधा हा। देखिए राधा नाम आ गया, पीछे विसर्ग आ गया। मैंने आपको अभी बताया था स्त्रीलिंग के अंदर कि जहां लड़की का नाम हो और पीछे से विसर्ग आता है तो वो क्या बन जाता है, शब्द बहुवचन बन जाता है। तो राधा हा यानी मतलब बहुत सारी राधाएं हैं, तो स्त्रीलिंग का बहुवचन है। तो स्त्रीलिंग का बहुवचन क्या बनना पड़ेगा हमें, ता। ठीक है, ये स्त्रीलिंग का बहुवचन ता। ठीक है, तो ये देखिए पुल्लिंग के एग्जाम्पल्स हो गए स, तौ और ते। फिर स्त्रीलिंग के एग्जाम्पल्स हो गए देखो सा, ते और ता। ओके, तो ये पुल्लिंग के तीन एग्जाम्पल, यहाँ स्त्रीलिंग के तीन एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखे हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब यार देखिए दो और एग्जाम्पल्स मैंने आपको लिखे सामने लिखे हुए हैं, तो आप जरा बताइए कि ये जो वर्ड है राधा, ये कौन सा वर्ड है, स्त्रीलिंग है। राधा तो स्त्रीलिंग ही होता है, मैंने आपको यहाँ पे भी बताया। तो ये राधा है, यहाँ पे विसर्ग लगा हुआ, वहां विसर्ग लगा हुआ नहीं है, तो विसर्ग लगा हुआ नहीं है, ओनली नेम है लड़की का, तो ये कौन सा वचन हो जाएगा, एक वचन। तो एक वचन के साथ एक वचन ही फील करना होता है, तो हम यहाँ पर स्त्रीलिंग का एक वचन फील करेंगे। ठीक है, अगर विसर्ग आता तो बहुवचन बन जाता, परंतु विसर्ग न होने के कारण ये एक वचन है, और इसमें हम ता न बनके क्या करेंगे, सा, बिकॉज ऑफ एक वचन सिंगुलर, ये सिंगल एक ही राधा है, इसलिए हम यहाँ पे सा देंगे। ओके, क्योंकि स्त्रीलिंग का एक वचन तो सा होता है। यहाँ लिखा है श्याम, ठीक है, ये आगे विसर्ग है, क्योंकि श्याम, श्याम जो है बेटा पुल्लिंग वर्ड है, लड़के का नाम है, आप अच्छे से जानते हो, तो जो पुल्लिंग का जो नाम है श्याम, तो एक वचन के आगे विसर्ग लगता है, तो ये कौन सा है वचन है, एक वचन है। तो अब स सर्वनाम शब्द रूप स का पुल्लिंग का एक वचन हमें यहाँ फील करना है, तो क्या क्या बनेंगे, स। ओके, तो देखो बच्चों आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जैसे आप अगर सोच रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हो, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ छह शब्द जो ये वाले हैं वो ही माइंड में रखने हैं, कि पुल्लिंग के लिए स एक वचन, द्विवचन के लिए तौ और बहुवचन में ते, और स्त्रीलिंग हो तो एक वचन में सा, फिर द्विवचन में ते, और जो बहुवचन हो अगर लड़कियां बहुत ज्यादा हो तो ता भरना है। इसी के अकॉर्डिंग बस ये छह शब्द जो याद रखने के रखेंगे, तो आपका जो ये पूरा कोई भी एक्सरसाइज आपको सामने से उठा के देंगे सर्वनाम स भरने के लिए, तो आप इजीली भर पाओगे। तो आई होप आपको सर्वनाम शब्द स वाला फॉर्मेट जो है वो ब्लैंक में फिल करना गया। इसके बाद में आपको एक एक्सरसाइज भेजूंगी, सेंड करूंगी, सर्वनाम शब्द स भरने के लिए इसी तरह से, तो आप ट्राई करना भरने की, अगर आपको न मिले तो आंसर भी मैं भेजूंगी। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। अब हम बच्चों नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम सर्वनाम शब्द एश को कैसे फील करते हैं वो भी सीखेंगे, परंतु तब तक के लिए आप सिर्फ इतना ही सीखिए, क्योंकि ज्यादा अगर एक साथ करेंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। ओके, तो आई होप बच्चों जितना आज पढ़ाया है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।